मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास में हम प्रारंभिक आकारों को समझना चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 5.2 प्रश्नावली चल रही थी। 5.2 प्रश्नावली के 5 तक सवाल हो गए थे। छठा सवाल दिया हुआ है इसमें, आप कितने समकोण घूम जाएंगे। आपसे समकोण पूछा जा रहा है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में आप दक्षिण की ओर देख रहे हैं, शुरू में आप दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में, पश्चिम की ओर घूम जाएं, ऐसे सवालों में आपको इस तरह से एक घड़ी बना देनी है, जिसमें पहले जो दिशा लिखते हैं, उत्तर दक्षिण नीचे होगा, पूर्व दाई ओर और पश्चिम बाई ओर। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हम एक समकोण घूमते हैं तो घड़ी के घंटे की सुई है वो 3 घंटे का समय लेती है। या तो आप इससे भी याद कर सकते हो, या फिर दक्षिण की ओर देख रहे हैं मतलब आपका मुंह इधर है दक्षिण की ओर, और अब आप यहां से इधर घूमोगे तो इस तरह से दिखा देना है, यहाँ आपका मुंह इधर हो गया है, यहाँ घूम गया, यानी पश्चिम की ओर हो गया। तो आपको अगर सीधा देखे तो देखो एक समकोण है ये, वैसे 4 समकोण होते हैं, 1, 2, 3, 4 समकोण होते हैं, जिसमें से एक समकोण पूरा किया है और समय लगा है इसमें 3 घंटे। आपको ये निकालना कैसे है वो देखिए, 3 घंटे किस तरह से निकालना है वो देखिए। दक्षिण से पश्चिम तक आने में आपको 3 घंटे लगे हैं। देखिए यहाँ पे 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, 6 के बाद में 7, 8, 9। तो आपको लिखेंगे यहाँ पे समकोणों की संख्या, आपको ये लिखना है भैया, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं कितने समकोण घूम जाएंगे, तो समकोणों की संख्या। आपको समय कितना लिखा, समय कितना लगा इसको घूमने में, 3 घंटे। तो 3 बट्टा कितने में से, 12 घंटे में से, टोटल 12 होता है, गुणा 360/90, ये समकोण का हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 4, 4 से ये कट गया, 12, 3 और 3 का भाग 3 मिल गया, तो एक समकोण है। इस तरह से करना। उसके बाद में इसमें देखते हैं आगे का सवाल, से बी है, उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा का है, तो विपरीत दिशा का देखो, उत्तर की ओर देख रहे हो, आप उत्तर की ओर देख रहे हो की बात, और घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं, यानी कि आप घड़ी की विपरीत दिशा में। अब की बार तो घड़ी तो वो इसी तरह से दिशाएं बनेगी, यहाँ पे वो 12 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, 3 रहेगा, 9 इधर उत्तर होगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। अब आप उत्तर की ओर देख रहे हो, यानी कि इधर आपका मुंह है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है, तो विपरीत दिशा घड़ी ऐसे चलेगी विपरीत में, इस तरह से, जबकि घड़ी की दिशा ये होती है, विपरीत दिशा में घूमना है इस तरह से, इधर घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर मुंह घूम जाए। अब पूर्व की ओर चलो, यहाँ से पूर्व की ओर, तो वैसे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 समकोण घूम गए हम, 1, 2, 3 समकोण घूम गए। तो निकालना कैसे वो लिखिए, आपने कितना समय लिया इसमें, 3, 6, 9, क्योंकि
एक समकोण में हम 3 घंटे पूरे करेंगे, तो वैसे भी देख सकते हो 12 से इधर हम 3 घंटे, तो ये आ गए 3 घंटे, ये आ गए 3 घंटे, ये आ गए। तो समकोणों की संख्या, समकोणों की संख्या आपने 9 घंटे का समय लिया है 12 में से, तो 9/12 गुणा 360/90 हो जाएगा, वही 4×3 = 12 और 9 में 3 का भाग है, तो 3 समकोण। इस तरह से आपको ये समकोणों की संख्या निकालनी है। उसके बाद में इसमें जो बच गए वो सवाल आप स्वयं करेंगे। इस तरह से सामने आकृति भी बना सकते हो आप, उनको इस तरह से चिन्ह लगा के दिखा देना कि किस दिशा में घुमा गया है, विपरीत दिशा है या घड़ी की दिशा है। और इसके अंदर ए बी तो हो गए हैं, एक सी और डी बच गए, वो आप लोग स्वयं करेंगे। यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ, सी है अपना पश्चिम की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर सॉरी घड़ी की दिशा में नहीं है, इसमें पश्चिम की ओर देख रहे हो और वापिस पश्चिम की ओर घूम जाएं, ये सवाल देखिए यहां इसमें इस तरह से घड़ी होगी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आप इधर देख रहे हो और इधर से चाहे विपरीत दिशा हो चाहे घड़ी की दिशा हो, इसमें अगर वापिस उसी दिशा में घूम रहे हो आप पश्चिम की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर ही वापिस घूम जाओगे, तो एक चक्कर पूरा होता है, एक चक्कर में यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा, वो पूरा एक संपूर्ण चक्कर है। तो इसमें समकोणों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको 12 घंटे लगेंगे इसमें, तो 12/12 गुणा 360/90 हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे लिया है आपने, एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे पूरे लगेंगे, तो 12/12 कर देना, जैसे इसमें 9/12 किया ना, यहाँ 12/12 हो जाएगा गुणा 360/90 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। डी लिखिए, डी में है दक्षिण की ओर देख रहे हो, दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए, और उत्तर की ओर घूम जाएं, इसमें भी घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा नहीं दी है, तो आप लोग ध्यान देना, जैसे उत्तर की ओर देख रहे हो और दक्षिण घूमना है, तो चाहे आप विपरीत दिशा में घूमो चाहे घड़ी की दिशा में घूमो, दोनों में बराबरी समय लगेगा, तो इसमें भी आप लोग वैसे ही निकालोगे। इस तरह से ये अपना 6ठा सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। 7वां सवाल नोट कीजिए, सवाल नंबर 7वां सवाल है इसमें घड़ी की घंटे वाली सुई, ये अच्छा सवाल है, घड़ी की घंटे वाली सुई की बात हो रही है, घंटे की सुई की चर्चा हो रही है, कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे। अब इसमें ए दिया हुआ है, देखो 6 से प्रारंभ करना है आपको और एक समकोण घूम जाए, यानी कि यहाँ देखो अगर हम सीधा देखें तो ये ऐसे होगा 12, 6, 3, 9, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है इस 6 से और एक समकोण घूम जाए, 6 से प्रारंभ करना है, एक समकोण घूम जाए, तो इसको घड़ी की दिशा में घुमाना है, घड़ी की घंटे की सुई है तो वो सही दिशा में चलेगी, विपरीत दिशा में तो हम चलवाते हैं उसको, यदि विपरीत दिशा का नाम ले तब
तभी आपको विपरीत जाना है वरना सही दिशा में चलना है। तो यहाँ से एक समकोण घुमाना है तो एक समकोण यहाँ घूम जाएगा और आपका यहाँ घड़ी में समय होगा वो 9 बज जाएगी, 9 पर रुकेगी। तो इसको निकालना कैसे वो देखो, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा लिया गया समय आपको ये देखना है। 360 डिग्री में से 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा होता है, संपूर्ण चक्कर, एक संपूर्ण गुणन बोलते हैं हम उसको, गुणन एक गुणन, तो संपूर्ण एक चक्कर को हम एक गुणन बोलते हैं। तो यहाँ पे 360 में से 3 घंटे ये चल रही है, 3/360 गुणा 3 क्या होगा कि जैसे एक संपूर्ण चक्र होता है, एक पूरा चक्र में घड़ी है वो समय कितना लेती है 12 घंटे का, और कोण बनता है अपना 360 डिग्री का। तो यानी कि 12 घंटे में वो 360 डिग्री पार, तो 12/360 गुणा जितना आपको दिया है उतना, एक समकोण घूम जाए तो गुणा एक, यदि यहाँ 2 समकोण आ जाए तो गुणा 180 कर देना। इस तरह से आपका समय लगेगा, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 3 घंटे लेगी एक समकोण घूमने में, वो 3 घंटे लेगी। इसलिए घड़ी में समय निकालना है, घड़ी में समय 6 बजे से प्रारंभ करना है तो 6+3 कर दो यानी कि 9 बजे, 9 बजे पर रुक जाएगी। इस तरह से करना है। जैसे एक और देखते हैं यहाँ पे, हम इसका अगला सवाल देखते हैं, एक और है जैसे डी देखते हैं, इसमें डी दिया हुआ है, इसमें 7 से प्रारंभ करें, डी है 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए, 2 ऋजु कोण घूम जाए। तो इसमें आपको स्टार्ट यहां से 7 से करना है, जैसे पहले वाले सवाल में हमने 6 से किया था वैसे। तो यहां पे लिखोगे हलवोई घड़ी की घंटे की सुई द्वारा लिया गया समय 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती गुणा 2 ऋजु कोण है, ऋजु कोण एक ऋजु कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो 2 ऋजु कोण है, 2 × 180 करते हैं आप, 2 × 180। तो ये यहाँ पे कैंसिल होगा, देखो 180 से ये हुआ 2 और 2 से 2 यानी कि 12 घंटे लेगी, 12 घंटे। अब घड़ी में समय या घड़ी की घंटे की सुई पहुंचेगी, घड़ी की घंटे की सुई रुकेगी। 7 से प्रारंभ किया था, 7 में आप लोग वही 12 जोड़ोगे तो हमारे पास हो जाएगा 19, जबकि 19 यहाँ पे घंटे नहीं होते, 19 समय नहीं होता है उसमें। तो वापिस हम निकालेंगे या 19 − 7 यानी कि 12 में से घटा 12 घटा दो इसमें से, तो हमारा समय आ जाएगा वही 7 पर ही रुकेगी। इस तरह से हो गए, यानी कि 19 चला गया था, 7 से प्रारंभ करें तो 7+12 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 12 घंटे हैं, तो 19 हो गया। अब 19 12 के बाद में गुणेंगे
एक दो तीन 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 वापिस 7 पर ही रुक जाएगी। इस तरह से ये हमारे 7वां सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें बी और सी बच गए, वो नोट कर लें आप। बी सवाल है इसमें 8 से और 2 समकोण घूम जाए, 8 से आपको प्रारंभ करना है और 2 समकोण घुमा देना है और 2 समकोण घूम जाए। इसी तरह से सी है 10 से और 3 समकोण घूम जाए, 3 समकोण घूम जाए। इस तरह से ये प्रश्न वाली 5.2 अपनी कंप्लीट हो जाती है। 5.2 में ये 7 सवाल थी। आगे हम 5.3 देखते हैं। अब हम 5.3 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभिकाकारों को समझना। इसमें पहला सवाल है सुमेलित कीजिए या फिर मिलान कीजिए, आपको मिलान करना है। जैसे इधर दिए हुए हैं ऋजु कोण, ऋजु कोण। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे समकोण। तीसरा है इसमें न्यून कोण। चौथा है इसमें अधिक कोण। और पांचवा है इसमें प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। इन कोणों की परिभाषा मैंने लिखा दी थी, एक बार पुनः बता देता हूँ। ऋजु कोण 180 डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं, समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक व 180 से कम डिग्री के कोण को अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम के कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब इधर हमारे पास दिया हुआ है एम ए 1/4 गुणन से कम। अब यहाँ गुणन की बात हो गई है, तो गुणन का मतलब होता है, एक गुणन का मतलब होता है पूरा 360 डिग्री का कोण, संपूर्ण चक्कर। निकालना कैसे एक बार नोट कर लेते हैं। बी है 1/2 गुणन से अधिक, सी है इसमें 1/2 गुणन, डी 1/4 गुणन, ई 1/4 गुणन और 1/2 गुणन के बीच में, एक बीच में। और एफ है इसमें एक पूरा या संपूर्ण गुणन। चलिए अब निकालना कैसे इसको ध्यान से देखें। जैसे 1/4 गुणन से कम है, तो 1/4 गुणा 360 डिग्री कर दो, एक गुणन को हम 360 डिग्री का लेते हैं, तो 360 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो ये 30 आएगा, तो यहाँ तीसरे के सामने इसका उत्तर यहाँ पे लिखते हैं हम। जैसे तीसरा है इसके सामने आप लोग लिखोगे फिर ए। इसी तरह से 1/2 गुणन से अधिक है, उसके बाद 1/2 गुणन यानी 360 इससे अधिक है, तो ये काटा तो 180 से अधिक है, 180 से अधिक है, 180 डिग्री से अधिक का आया, तो 180 डिग्री से अधिक का कौन सा कोण आता है, प्रतिवर्ती कोण। तो ये हम पांचवें में आएगा हमारे पास बी। इसी तरह से तीसरा आता है हमारे पास सी 1/2 गुणन, तो 1/2 पूरा पूरा है गुणा 360 कर देना, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं या फिर ऋजु कोण। तो ये पहला आएगा, यहाँ पहले में आ जाएगा फिर सी।
इसी तरह से 1/4 गुना ना, तो 1/4 गुना 180 सॉरी 360 डिग्री, 1 गुना 360 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं। तो ये आएगा हमारे पास दूसरा, तो ये दूसरे में आ जाएगा हमारे पास डी। उसके बाद में अंतिम बचा है हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा हो गया, चौथा बच गया है। चौथा कौन सा? अधिक कौन? तो ये देखते हैं, 1/4 गुना निकालेंगे पहले 360, तो ये आया हमारे पास 90, और 1/2 गुना निकालेंगे तो 1/2 गुना 360 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच के कोण को, तो आपको बताया 90 से अधिक और 180 से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ये चौथा आ गया, तो चौथे में हमारे पास आ जाएगा ये, इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इसका ये बच गया है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये 360 डिग्री का कोण है, जिसको हम एक पूरा चक्कर कहते हैं, जिसको संपूर्ण कोण कहते हैं। यदि संपूर्ण कोण दिया हुआ होता इसमें, तो ये एक पूरा या संपूर्ण गुणन आता इसमें, तो ये खाली रह जाएगा। इस तरह से ये मैच करवाना है। इस तरह से बच्चों के 5.3 प्रश्नावली का ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया, बाकी हम कल देखेंगे।